देखिए, जिन जिन लोगों पे हमारा शक था हमने पुलिस को लिख के दे दिया है और शायद एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन केवल एफआईआर दर्ज करना समाधान नहीं है, एक सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, सरेआम गोलियों से भुना जाता है। कोई आम आदमी था क्या? ना पैसे, 2 बार चेयरमैन रह चुका है, 2 बार एमएलए रह चुका है। अगर एक विशिष्ट वीआईपी आदमी की अगर सुरक्षा ये पुलिस नहीं कर सके, आम आदमी की क्या औकात है इनके लोगों के सामने? हद कर दी ये, इससे बड़ी जंगल राज कहीं नहीं हो सकता। और मैं तो कहना चाहूंगा शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी के गुंडों को। हम पोस्टमार्टम सर जब तक नहीं कराएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्होंने मजाक बना लिया हर एक चीज का। आपने हद की बात देखिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हमने जो एफआईआर है, क्या जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेगी, उन सभी को कलेक्ट किया जाएगा। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं सर, अभी आप बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पूछताछ के लिए उठाया गया किसी? देखिए, जिन जिन लोगों पे हमारा शक था हमने पुलिस को लिख के दे दिया है और शायद एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन केवल एफआईआर दर्ज करना समाधान नहीं है, एक सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, सरेआम गोलियों से भुना जाता है। कोई आम आदमी था क्या? ना पैसे, 2 बार चेयरमैन रह चुका है, 2 बार एमएलए रह चुका है। अगर एक विशिष्ट वीआईपी आदमी की अगर सुरक्षा ये पुलिस नहीं कर सके, आम आदमी की क्या औकात है इनके लोगों के सामने? हद कर दी ये, इससे बड़ी जंगल राज कहीं नहीं हो सकता। और मैं तो कहना चाहूंगा शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी के गुंडों को। हम पोस्टमार्टम सर जब तक नहीं कराएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्होंने मजाक बना लिया हर एक चीज का। आपने हद की बात देखिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हमने जो एफआईआर है, क्या जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेगी, उन सभी को कलेक्ट किया जाएगा। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं सर, अभी आप बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पूछताछ के लिए उठाया गया किसी? देखिए, जिन जिन लोगों पे हमारा शक था हमने पुलिस को लिख के दे दिया है और शायद एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन केवल एफआईआर दर्ज करना समाधान नहीं है, एक सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, सरेआम गोलियों से भुना जाता है। कोई आम आदमी था क्या? ना पैसे, 2 बार चेयरमैन रह चुका है, 2 बार एमएलए रह चुका है। अगर एक विशिष्ट वीआईपी आदमी की अगर सुरक्षा ये पुलिस नहीं कर सके, आम आदमी की क्या औकात है इनके लोगों के सामने? हद कर दी ये, इससे बड़ी जंगल राज कहीं नहीं हो सकता। और मैं तो कहना चाहूंगा शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी के गुंडों को। हम पोस्टमार्टम सर जब तक नहीं कराएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्होंने मजाक बना लिया हर एक चीज का। आपने हद की बात देखिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हमने जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेगी, उन सभी को कलेक्ट किया जाएगा। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं सर, अभी आप बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पूछताछ के लिए उठाया